लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हम बोट से चल पड़े हैं हेलसिंकी एरिया को पीछे छोड़ के, और अभी हम वाली सारी आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये बोट चल रही है और ये सामने से दूसरी बोट आ रही है और हम चल पड़े हैं वाली सारी आइलैंड की तरफ। और ये टिकट कलेक्टर आई हैं जो 8.5 यूरो चार्ज कर रही हैं एक टिकट के। ये हम आइलैंड की तरफ जा रहे हैं और ये बोट चल रही है ऊपर से, ये फिनलैंड का फ्लैग। और हम रास्ते की पर गामजान रवादवा, ये लोग बैठे हैं, मैं दोनों तरफ से बोट आपको दिखा देता हूँ। खूबसूरत कितने सूरज की पानी के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाते हुए बहुत अच्छी लग रही है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आपको इत्तेफाक हो ऐसे कश्ती पर सफ़र करने का तो अपने साथ एक अपर ज़रूर रख लें, चाहे वो गर्मी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको पानी के बीच में पहुँच कर सर्दी का एहसास ज़रूर बढ़ता जाएगा। पर मैंने ये गलती की है और मैं इसका एक्सेप्ट कर लूँ। अभी हम गामजन है अपने रास्ते की तरफ और सामने बड़े शिप के ऊपर आपको गाड़ियां लोड होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो यूजली सामान एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाता है, वो इस तरह अगर गाड़ियां पार्क हुई हैं पहले फ्लोर के अंदर ऊपर 6 से 8 फ्लोर हैं, पहला एंटरटेनमेंट के लिए और इसके अंदर आपको मुख्तलिफ शॉपिंग के लिए भी मिल जाते हैं मॉल्स और छोटी मोटी शॉप्स जिसके अंदर टैक्स फ्री भी होती हैं, जो तो कदरे सस्ते पड़ता है जो भी इसके अंदर शॉपिंग करता है। और ये हम पहुंच चुके हैं काफ़ी करीब बे एरिया के लिए, जहां पर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हम खड़े हैं शिप के बिल्कुल फ्रंट पे और बोट के काफ़ी फ्रंट पे, शिप तो बड़ा होता है। एनीवेज ये हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अब डॉक के सामने नज़र आ रहे हैं, थोड़ी देर में हम स्लाइड करने वाले हैं अंदर। बोट की मोटर ऑफ हो गई और सामने एक ओपन एयर कॉन्सर्ट अरेंज हुआ हुआ है, लोगों की एक्टिविटीज़ वापस स्टार्ट हो रही हैं कोविड के बाद, तो लोग काफ़ी इंजॉय करने और बाहर निकल कर इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ये सामने एक कश्ती अभी डॉक पे आकर लगी है और अब हमारी भी कश्ती बहुत करीब आ चुकी है। और ये हमारे पायलट साहब आ रही है, अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं। और ये हम करने जा रहे हैं कश्ती ने साइडवेज टर्न लिया है और अब हम अटैच होने जा रहे हैं। ये कश्ती से उतरूंगा और फिर आपको कश्ती के अंदर इस तरह से नीचे भी लोग बैठे हैं और शीशे से नज़ारा करते हैं। और ये हम डॉक्टर आ गए,
पर, और ये हम स्लाइड करते हैं एग्जिट की तरफ आसान में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम हेलसिंकी सिटी सेंटर के बिल्कुल साथ सामने हेलसिंकी वाइट चर्च के सामने है, जिसके सामने अलेक्जेंडर द सेकंड का पुतला लगा हुआ है, मुजस्मा। आमतौर पे तमाम टूरिस्ट जो हेलसिंकी में आते हैं, ये मस्त सी लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत, और फूलों के बीच में अलेक्जेंडर द सेकंड का मुजस्मा, और उसके बिल्कुल पीछे है ये वाइट चर्च। यहाँ पर अक्सर ओपन एयर कॉन्सर्ट्स भी अरेंज होते हैं, और ये आई गिव यू अ फ्यूचर विद होप किसी बाइबल से कोट किया गया है, ये हेलसिंकी का फेमस बोर्ड। और हम सामने डॉक से सीधा वाइट चर्च की तरफ आए हैं, और सामने से चलती हैं ट्रैम्स, जो कि अक्सर राउता तियंतोरी, जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वहां तक लेकर जाती हैं अमूमी तौर पर। ये लोग तस्वीरें खींचते, इस वक्त हो चुके हैं रात के 8:30। सामने से ट्रैम आपको नज़र आ रही है, जो गालबन सीधे रास्ते की तरफ मुड़ेगी और सीधा राउता तियंतोरी की तरफ जाएगी। सो हैप्पी व्यूइंग।